कंपनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कंपनी का सामान लेकर भागने वाले अभियुक्त रामनाथ झा को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक लैपटॉप किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। नवंबर को चंपा देवी पार्क में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम। 1000 जोड़ों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी जानकारी। कमिश्नरी के प्रस्तावित नए एकीकृत मंडलीय कार्यालय की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा, शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। डीपीआर बनकर है तैयार। ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत जनपद के सभी नागरिक अपने घर के बाहर जरूर लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। अपराध को रोकने में पुलिस की करें मदद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जनपद के सभी नागरिकों से की अपील। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। गांव के विकास के लिए 3 कार्य योजना बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जनपद में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के द्वारा निःशुल्क भोजन कोचिंग व आवासीय सुविधा करवाया जाएगा उपलब्ध। 30 नवंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों सिकंदर निषाद व सोनू बासफोड़ को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह में विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्यों की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का किया प्रचार प्रसार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी फोटो खींचकर यातायात हेल्पलाइन नंबर 8081208567 पर करे व्हाट्सएप, होगी कड़ी कार्यवाही। संगम सांस्कृतिक साहित्य एवं सामाजिक संस्था और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह बहादुर चंद स्मृति साहित्य ग्रंथ का हुआ लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, जनपद के साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद ने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की।